नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस वक्त हम किस्मत कॉलोनी के सिद्दीकी बाग के पास है, जहां पे एमएससीबी की तरफ से यहां पे बड़े पैमाने पे जो कार्रवाई हो रही है, यहां पे जो बिल ना भरा है और जिनके मीटर इलीगल है, यहां पे एमएससीबी की तरफ से यहां पे कार्रवाई की गई है और यहां के जो घरों के सामान को और दुकानों के जो फ्रिज वगैरह है सबको उठा के ले गए। आज जो कार्रवाई हो, किस तरीके की कार्रवाई आज, सबसे पहले तो आप ये बताओ। अभी ये जो कार्रवाई है जो एमएससीबी एमएससीडीसीएल कर रहा है, वो दो चीज़ें की कार्रवाई है। एक तो हमारा कलेक्शन, हम जो बिजली बेचते हैं लोगों को, मीटर के थ्रू बिजली जाती है, वो बिजली का हम 30 दिन होने के बाद उनको बिल देते हैं। अगर वो बिल देने के बाद भी बिल का पेमेंट नहीं करते हैं तो हम उसको टेम्प्रेरी डिस्कनेक्शन, परमानेंट डिस्कनेक्शन करने का प्रावधान है। उसके तहत में उसका डिस्कनेक्शन करते, सप्लाई बंद करते, मीटर को निकाल लेते हैं। ये हो गई पहली कार्रवाई। दूसरी कार्रवाई, अगर कोई यूज़र बगैर मीटर का अनऑथराइजली बिजली यूज़ कर रहा है, डायरेक्ट हुक लगा के या मीटर में कुछ छेड़खानी करके, तो 135 कलम इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत में, 135 कलम के तहत में वो बिजली चोरी कहलाती है और उसके तहत में हमको जब्ती का अधिकार है और हम उसके ऊपर एफआईआर दायर कर सकते हैं। अगर उसने बिल पेमेंट किया और अगर वो चोरी उसने पहली बार किया तो वो गवर्नमेंट को कंपाउंडिंग चार्ज भर के वो एफआईआर से बच सकता है। अगर उसने कंपाउंडिंग चार्ज नहीं भरा तो वो बिजली का चोरी का हम एफआईआर भी चालू कर सकते हैं। तो ठीक है, आप एफआईआर कर सकते हो, लेकिन जो आपका ऐसा जीआर है कि आप घर का सामान जब्त कर सकते हो। देखो, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में 135 कलम में हमको अधिकार है, बिजली चोरी हुई है, हमको चोरी का पैसा वसूलने का अधिकार है। जो मीटर रीडिंग, जो फास्ट मीटर चल रहे हैं, हज़ारों रुपये उसका बिल आ रहा है, हाँ। जो यूज़र भी जिसमें यूज़ कम है उसके बावजूद भी बिल ज़्यादा आ रहा, तो अभी ये जो फास्ट रीडिंग जो चल रही है उसके बारे में आपको क्या नहीं। देखो, मीटर का एक्यूरेसी क्लास नॉर्मली 0.5 क्लास का होता है, ओके। मीटर लैब में टेस्टिंग होकर यहाँ पे आता है, उस जगह पे लगता है। अगर कोई कंज्यूमर कंप्लेंट करता है कि मेरा मीटर फास्ट है, ओके, तो उस मीटर को हम चेक कर लेते हैं। अगर मीटर फास्ट निकला तो उसका बिल कम करवा के, इतनी आसानी से आप बता रहे हो, मेरी बात सुनिए, बिल को कम करवा के मीटर को बदली भी कर देते हैं। अभी मार्च एंडिंग चालू, तो हम बिल घर अभी डोर टू डोर के चेक कर रहे हैं, हम लिस्ट निकाल के भी चेक करते हैं, अभी डोर टू डोर चेक कर रहे हैं। जब मेरे को उसका बिल दिखा 50 यूनिट, उसको पूछा तेरे पास में क्या है घर में, बोला फ्रिज है। अगर फ्रिज है तो 150 यूनिट का बिल उसको एवरेजली हर महीने आना चाहिए, जो नहीं आ रहा है, मतलब 100 यूनिट कम रिकॉर्ड कर रहा है मीटर। तो मैंने मशीन से, मीटर चेकिंग मशीन से मीटर को चेक करवाया तो 70% मीटर स्लो मिला। मैंने सबके सामने पंचनामा किया, मीटर को ओपन किया रिकॉर्डिंग के साथ में, अंदर में कलाकारी मियाँ। तो अभी हमने उस मीटर को सील किया, अभी वो बन गई बिजली चोरी, अभी वो प्रोसेस में है। अगर मीटर स्लो है तो उसको हम उसको उससे ज़्यादा पैसा जितना आना चाहिए उतना वसूल कर सकते हैं। अगर मीटर फास्ट है तो हम उसका उतना पैसा बिल कम कर सकते हैं। दोनों चीज़ें उस जगह पे है। जैसे कि एमएससीबी की जो वसूली कम हो रही है और जो एमएससीबी प्राइवेटाइजेशन में जा रहा है, क्या इसका कोई वजह ये नहीं हो सकती कि वसूली ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन में ना जाए, इसके लिए सब किया नहीं होने वाला है। हम वसूली अच्छी कर रहे हैं एमएससीबी, और प्राइवेटाइजेशन ना हो, हम ऑलरेडी सक्षम है, प्राइवेटाइजेशन के लिए हम ही खिलाफ है। आप सब लोग सहकार्य करेंगे, लाइट का बिल टाइम टू टाइम भरेंगे, बिल ना करेंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हम भी यहाँ पे 24 आवर्स आपको अच्छी सेवा दे सकते हैं। और उसके अलावा जो अवैध तरीके से जो हॉकर्स के ऊपर जहाँ बिजली मिल रही है उसके ऊपर आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? जो अवैध तरीके से बिजली चोरी कर रहा है उनके ऊपर स्टेप बाय स्टेप कार्रवाई करनी चालू है। स्टेप बाय स्टेप मतलब कितना वक्त बोले तो देखो, स्टेप बाय स्टेप कार्रवाई करना चालू है। अगर कोई भी अवैध रीता मिला हम उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। एक एक मीटर के ऊपर 4-4, 6-6 दुकानें चल रही है, तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी? आप रेसिडेंशियल और कॉमर्स, अगर आपके पास में कोई सैंपल है तो आप बताइए। अगर हम लोग ही सब बता देंगे तो फिर आप लोग क्या करेंगे? तो हमको जो जो दिख रहा है उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं सब, और आप प्लीज हमको सहकार्य करो। नहीं, हम लोग तो आपको सहकार्य कर रहे हैं। ये दिखा इसके ऊपर कार्रवाई की, अभी आप क्या बोल रहे हैं यहाँ पे मत करो वहाँ पे करो वहाँ पे जाएंगे, ऐसा नहीं चलता। हमको जो दिखा आपके सामने वहाँ पे हम कर रहे हैं। नहीं, आपको हमारी तादाद जो है वो है लिमिटेड। एरिया है इतना बड़ा, 10,000 लोग रहते हैं, हमारा स्टाफ है 20, तो 20 लोग 10,000 तक पहुँचने के लिए समय लगता है। तो जैसे दिखते जाएंगे वैसे कार्रवाई होती जाएंगी, और अभी ये कार्रवाई जो है हम थोड़ा एग्रेसिवली कर रहे हैं, कठोर कर रहे हैं, ताकि हमारा पैसा। आप देखिए, रोड के ऊपर मीटर कहाँ से, हॉकर्स मीटर कहाँ से लगाएगा? जिस जगह के गन्ने की जूस की दुकानें, बहुत सारी दुकानें हैं, वहाँ पे बिजली कहाँ से आ रही है, ये कभी आपने जानने की कोशिश की? कभी आपके अधिकारियों ने जानने की कोशिश की? मेरे अधिकारी शायद चेक कर रहे होंगे, मैं भी चेक करता हूँ।
तो आप इसके मैं भी अधिकारी हूँ, तो जब जब मुझे दिखता है तो मैं उसके ऊपर कार्रवाई करता हूँ, बाकी अधिकारी भी जब जब उनको दिखता है वो कार्रवाई करते हैं। जब मैं मुमरा में आया और जब इलाके के अंदर आया तो यहाँ पर एक दादागिरी वाला काम चल रहा था, फ्रिज उठाया जा रहा था, गाड़ी में डाला जा रहा था, लोग कह रहे तो सुनने का नाम नहीं आपकी था। आपकी बात काट के मैं बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे तो केंद्र में और राज्य में आप ही की सरकार है, उसके बावजूद भी आप यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि लीगल तरीके से अगर ये शोका नोटिस देते थे 3 दिन का, तो ये बिल भरने के लिए तैयार है। मुमरा के अंदर बाहर इलीगली जो लाइट यूज़ कर रहे हैं, किसी के पावर से बोलो या किसी के सपोर्ट के ऊपर बोलो, उन पर क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही? इस अधिकारी पे कार्रवाई करने की जिम्मेदारी मेरी है। जिसका 5 लाख रुपए बिल बाकी है उसका फ्रिज निकाल लो, सलोट मारूंगा सलोट। एक गरीब का जो 10,000-15,000 रुपए बिल बाकी है उसका फ्रिज लेके जा रहे हो, और जिसका 5 लाख रुपए बिल बाकी है उसकी सीढ़ी नहीं चढ़ रही है MSEB। इस टाइप की दादागिरी नहीं रुकेगी। तो मुमरा के अंदर हम यहाँ पर एक मोर्चा ले जाएंगे, हल्ला बोल मोर्चा ले जाएंगे। पहले आपने कभी इसकी ऐसी कोई आला अधिकारी से, MSEB के अधिकारी से मुलाकात की? आपका डेलीगेशन गया वहाँ पर? डेलीगेशन इससे पहले मेरे कुछ कार्यकर्ता गए थे, क्योंकि मेरा दौरा आज दूसरी बार हुआ है मुमरा के अंदर। ये दारुल फरा मार्केट में जो रमजान महीने में जो ये अपना कैंप लगाते हैं, दुकानें लगाते हैं। अच्छा, ये पिछले रमजान में वहाँ पर मैंने फोटो लिया था, फोटो लेकर पुष्पा चौहान को, CEO को। कौन रिश्वत कौन ले रहा था, कौन अधिकारी था? ये MSEB का आया ऑफिसर था, अभी वो ऑफिसर यहाँ पर मौजूद है। इतना वक्त हो गया रमजान में किया था, और अभी तो 1-2 महीने में फिर रमजान आया, अभी तक क्या कार्रवाई हुई नहीं? आपने कभी उसके लिए जो शिकायत की उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं अभी तक? उसके लिए आपने भी हमको आश्वासन दिया गया कि बहुत शीघ्र कार्रवाई होगी। अभी जो दिसंबर में आई थी तो बोले कि उनको होंडे साहब को बोले कि इस पर तो जाँच बैठाई जाए, जाँच बैठा कर फौरन इस पर कार्रवाई की जाए, लेकिन अभी यह मार्च महीना चल रहा है, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। ये जो मीटर्स लगे हैं इनके, इसकी रिपोर्ट ऑलरेडी इनके पास है और इसकी तकरार की गई। कौन सा मीटर? ये जो रिलैक्स के जो मीटर्स हैं इनके पास। तो बोला अधिकारी बोलते हैं कि हमारा मीटर ही नहीं है। तो मीटर नहीं तो फिर क्यों आ रहे हो? फिर आपके मीटर नहीं है तो आप कार्रवाई करने क्यों आ रहे हो? जो आपने आपके मीटर नहीं लगे हुए हैं तो आप कार्रवाई करने क्यों आ रहे हो? क्या आगे आपको हमारे जो मीटर लगा है जिस कंपनी का मीटर वो आगे हमारे पर कार्रवाई करेगा ना? RTI से ये मालूम पड़ा कि ये मीटर फॉल्टी है, इसको रिजेक्ट किया गया है। ये मीटर वापस मुमरा में ही क्यों लगाया गया? हम चाहते हैं कि MSEB रहे, लेकिन धांधली ना हो, सीधे सीधे अच्छे से तरीके से मीटर्स हमको बिल आए, हमको पब्लिक भरेगी। चोरी का नाम बता रहे हो कि चोरी की इलेक्ट्रिसिटी वापरते हो, आपको सामने गलियों में एक कोने की दुकान नजर आ जाती है, रोड नज़र नहीं आता। बड़े बड़े होटल्स जो चल रहे हैं उनके बिल में आपको नजर, 20-20 लाख का बिल है, 20 लाख का बिल, आपने क्या तोड़ लिया उसको, क्या नुकसान पहुँचाया उसका? दीवा में क्यों नहीं उठा रहे? दीवा में तो अनलीगल बिल्डिंग में पूरी बिल्डिंग में लाइट चलती है, तो उधर कोई नहीं उठाता। अरे हमारे नेता लोग भी तो कुछ नहीं करते ना, तो हमारे नेता लोग क्या करेंगे? अभी हमारे नेता को समझना चाहिए ना, जितेंद्र वाटे को साहब को जिला के दिए, उनको समझना चाहिए ना कि पब्लिक के ऊपर जुल्म हो रहा है। हमारे साहब ये बोलेंगे तो फिर दीवा में क्यों नहीं हो रहा है? सुभाष भी रहे ना उधर, समा रहा ना पूरा, तो तुम नहीं समझ सकते क्या? दीवा में जाओ, देखो कैसा मार के एक साथ में भागते भगाते, हाँ फिर उनको चलता। यहाँ की जो जनता है वो रोड पे आ गई है, उनका कहना है कि इस तरह की धांधली यहाँ पे हो रही। वहीं भाजपा के कुछ कार्यकर्ता भी यहाँ पे आए हैं और उन्होंने भी यहाँ पे इसको रोकने की कोशिश की। वहीं अधिकारी ने बताया कि ये जो हो रहा है ये आदेश अनुसार किया जा रहा है, जो वसूली है वो की जा रही है। वहीं लोगों का कहना है कि जो फ्रिज वगैरह जो लेके जाया गया है उसमें उसकी वजह से लोगों का काफ़ी नुकसान हो रहा है, जो उनके फ्रिज में रखने वाली जो चीज़ें थी वो ख़राब हो गई, उसकी भरपाई कौन करेगा? वहीं भाजपा के कार्यकर्ताओं ने ये भी कहा है कि जिस तरीके से रोड पर हॉकर्स के साथ जो इलीगल तरीके से जो रास्ते पे जो लाइट दी जा रही थी उसके ऊपर कार्रवाई ना करते हुए यहाँ पे जो आम जनता के ऊपर, दुकानदारों पर और घरों पर कार्रवाई की जा रही है, इस तरह का कि यहाँ के लोगों ने MSEB के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। कैमरामैन हनीफ शेख के साथ हुसैन सुल्तान, प्रहार टाइम्स।